बर्थडे पार्टी में हुए विवाद में बीच बचाव करना एक युवक को भारी पड़ गया। शराब के नशे में दोस्तों ने ही उस पर लाठी और चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी युवक आवले नगर टेकानाका निवासी विवेक केवल खंडारे बताया गया। पुलिस ने युवक के छोटे भाई मोहित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 31 दिसंबर तक सिटी का मौसम खुला रहेगा और ठंड बढ़ेगी। 30 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक उतरने के आसार है। रविवार को मेट्रो यात्री सेवा ने नया रिकॉर्ड बना दिया। सफर करने वाले यात्रियों की जमकर भीड़ देखने को मिली। 22,000 से ज्यादा नागरिकों ने मेट्रो की यात्रा की। अंग्रेजों के शासन काल में शुरू किए गए हॉर्स माउंटेड यूनिट को एक बार फिर जीवित किया जा रहा है। मुंबई में घुड़सवार दस्ते को मंजूरी मिल गई है। जल्दी शहर में भी घुड़सवार पुलिस दस्ता होगा। क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 की सतर्कता से शनिवार रात बड़ी वारदात टल गई। पैरोल पर जेल से रिहा हुआ कैदी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की तैयारी में था। इसी दौरान पुलिस ने उसे हथियार के साथ दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी जूनी मंगलवारी मांगपुरा निवासी नितेश नरेश बरहाते बताया गया। नितेश को 2016 में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। धूमधाम से मनाए जाने वाले 31st पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए रविवार को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आला अधिकारियों की बैठक लेकर बंदोबस्त पर चर्चा की। शराब पीकर रास्तों पर धूम मचाने वाले युवकों पर विशेष तौर पर ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मौसम विभाग ने संडे को सिटी का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 1.4 डिग्री कम रहा। पावली पुलिस ने शनिवार देर रात गश्त के दौरान कार में घूम रहे 6 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उनके पास हथियार बरामद हुए। संडे को कोरोना बाधितों में से 285 स्वस्थ हुए हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अब रिकवरी रेट भी उत्साहजनक हो गया है। संडे को जिले में 10 की मौत कोरोना के चलते हो गई। इसमें 5 सिटी के, 2 ग्रामीण भागों के और 3 जिले के बाहर के हैं। इन 10 मौतों को मिलाकर अब तक जिले में 3,900 लोग कोरोना की बलि चढ़ चुके हैं।